हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने एक सिल्क साड़ी को रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट किया है और इसके साथ मैंने पेटीकोट को भी अटैच किया है और इसकी लेंथ जो होगी उसको भी मैंने बिना कट किए हुए एडजस्ट किया है। और इस वीडियो में आप इन सब बातों को देखते हुए इस साड़ी को अगर इन फ्यूचर आप नॉर्मली पहनना चाहते हैं तो वैसे भी आप पहन सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैंने इसको किस तरह बनाया है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले साड़ी को मैंने स्टार्टिंग में से आपकी जो कमर की गोलाई होगी, जहाँ पे आप साड़ी पहनोगे वहाँ की गोलाई के अकॉर्डिंग उसमें 10 इंच ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 36 लूँगी, मेरी जो है 36 है, तो मैंने यहाँ पर 36 पे एक मार्क कर लिया और वहाँ से 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये एक मार्किंग होने के बाद हम पल्लू के साइड से भी मार्क करेंगे, हमें पल्लू कितनी छोड़नी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे। नॉर्मली जिनकी कम हाइट होती है उनको यहाँ पर 2.25 मीटर हम मार्क करेंगे और जिनकी ज़्यादा होती है उनकी 2.5 मीटर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर 2.25 मीटर जो है मैं यहाँ पर लूँगी, जैसे कि 39 इंच दो बार मैंने ले लिया और प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस साड़ी को बनाने में सिर्फ लंबाई और आपकी जो वेस्ट होगी उसकी मेजरमेंट ज़रूरी होगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने 2 मीटर ले लिया और 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो 2.25 मीटर का मार्क किया है वहाँ पे आगे की तरफ 5 इंच मार्क करेंगे। नीचे की तरफ ये पल्लू का साइड है और ऊपर ये जो हम स्टार्टिंग में जहाँ पे साड़ी पहनते हैं वो वाला है, तो इस तरफ यहाँ पर इस तरह मार्क करेंगे और इसकी फेसिंग जो होगी प्लीट्स की वो पल्लू की तरफ होगी। तो इस तरह मैंने 5 इंच का जो मार्क किया है वहाँ पे इसको रखते हुए एक फोल्ड कर लिया इस पॉइंट पे, जो हमने 2.25 मीटर का पॉइंट लगाया है वहाँ पे। तो ऐसे ही एक एक प्लीट्स में इसी 5 इंच की विड्थ के अकॉर्डिंग इनको बनाते जाऊँगी। अब नीचे भी इसी तरह एक के ऊपर एक प्लीट्स रखते जाएंगे, जैसे ऊपर हम बनाते जाएंगे वैसे ही नीचे भी हम एक एक प्लीट्स को इसी तरह नीटली यहाँ पर एडजस्ट करते हुए। कपड़ों की जो क्लिप्स होती है उसको मैंने यहाँ पर लिया है नीचे की तरफ, तो इसी तरह एक एक प्लीट्स को एक के ऊपर एक एडजस्ट करते हुए सारे प्लीट्स हम अरेंज कर लेंगे नीचे और ऊपर दोनों तरफ। सारे प्लीट्स की विड्थ जो होगी सेम 5 इंच की ही रहेगी। यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 5 इंच की ही प्लीट्स बनाएं, आपके अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन सारे प्लीट्स जितना आप लोगे उसी साइज़ के यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारे प्लीट्स को बना के रेडी कर लिया है। अब इनको अगला वाला जो पॉइंट हमने मार्क किया था उस तरफ जहाँ पे हमने कमर की मार्किंग की थी, ये देखिए यहाँ पर, वहाँ तक इनको ऐसे ही प्लीट्स बनाएंगे और यहाँ पर प्लीट जो होगी छोटी आएगी ऊपर की तरफ। ये देखिए जहाँ पर मार्क है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे नॉर्मली साड़ियों में लास्ट वाला प्लीट छोटी आती है वैसे ही यहाँ पर आई है। तो इसी तरह ऊपर और नीचे इन प्लीट्स को बना के मैंने रेडी कर लिया। अब इन प्लीट्स को प्रेस कर लेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहला वाला जो प्लीट होगा उसको प्रेस करेंगे। अब ऐसे ही एक के ऊपर एक इन प्लीट्स को रखते हुए सारे प्लीट्स को मैं यहाँ पर प्रेस कर लूँगी। फ्रेंड्स, सिल्क की फैब्रिक में प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये वरना फूलने लगते हैं, नीचे प्लीट्स जो है अच्छे से नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने सारे प्लीट्स को इसी तरह सेट कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर प्लीट्स बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने सेम कलर का फैब्रिक लिया है, 5 इंच की विड्थ में इसको लिया है मैंने और बुकरम पट्टी को भी यहाँ पर मैंने 2 इंच की लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको इसके ऊपर
स्टिच करके भी आप ले सकते हो या फिर इसको पेस्ट भी कर सकते हो। ये पेस्टिंग पेपर को मैंने यहाँ पर लिया है, इसकी जो लंबाई होगी 44 इंच मैंने लिया है, ये देखिए यहाँ पर। अब इसको इसके अटैच करने से पहले हम इसकी लंबाई को एडजस्ट करेंगे। तो हम जब हम इसकी लंबाई लेंगे, नीचे की जो बॉर्डर है उसको पूरा लेते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर 40 इंच लिया है। इसी तरह मैं यहाँ पर प्लीट से लेते हुए कॉर्नर तक इसको 40 इंच की मार्किंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा ऊपर वाला जो है इसको एडजस्ट करनी है। तो इसको हम बेल्ट को पहले अटैच कर लेंगे। ये जो बेल्ट हमने बना के रेडी किया है, ये देखिए फैब्रिक को बुकरम के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पर प्लीट से होते हुए कॉर्नर तक स्टिच करेंगे। जो लाइन हमने डाली है उसी के ऊपर ये स्टिच आनी होगी। तो यहाँ से लेकर कॉर्नर में हाफ इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पिनअप जो हमने प्लीट्स में किया था मैंने उसको मैंने रिमूव कर लिया। अब इन प्लीट्स को ऊपर की तरफ अच्छे से स्टिच करके इसको फिक्स कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ जो स्टिच हो चुका है, अब नीचे भी मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। तो ये देखिए जो प्लीट्स हैं एक के ऊपर एक जैसे हमने सेट किया है उसी तरह रखते हुए हम स्टिच करेंगे। जो हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे ऊपर से लेते हुए, जो हमने चॉक की मदद से मार्किंग किया है, ये देखिए लेंथ को जिस तरह मार्किंग किया है वहाँ तक तो हमें स्टिच करनी है, लेकिन उसके नीचे 3 से 4 इंच तक आगे और हम इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो अंदर फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो लाइन डाली हुई थी इसके ऊपर हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। जो हमने यहाँ पर बुकरम के साथ रेडी किया था उसको यहाँ पर इस तरह फोल्ड करते हुए इसी लाइन के ऊपर इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉर्नर से प्लीट्स के ऊपर तक इस बेल्ट को अटैच कर लिया है। इस बेल्ट को प्लीट्स से आगे हाफ इंच से 1 इंच तक एक्स्ट्रा हम इसको स्टिच करेंगे। अब इसकी लेंथ को हमने किस तरह एडजस्ट किया है, ये देखिए यहाँ पर इस फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा ऊपर है उसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए इसकी बेल्ट जो हमने रेडी किया है उसके अंदर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। आपकी जितनी भी फैब्रिक होगी यहाँ पर इसी तरह आप फोल्ड करके इसको बेल्ट के नीचे से एडजस्ट करेंगे और इस बेल्ट को इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने इस पूरे बेल्ट को ऊपर की तरफ स्टिच कर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हुक्स अटैच करेंगे। तो हुक्स को अटैच करने के लिए एक तो हमें प्लीट्स के ऊपर हुक लगानी होगी, तो मैं यहाँ पर एक प्लीट्स के ऊपर हुक लगा लूँगी और दूसरा वाला जो डिस्टेंस होगा उसको आपके विड्थ के अकॉर्डिंग, कमर के विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मार्क करेंगे। तो मेरी यहाँ पर है तो एक और हुक जो होगा यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों हुक्स को अटैच कर लिया है। हमें अभी आई को अटैच नहीं करनी है, पहले इस जो बेल्ट है इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको साड़ी के साथ नीचे की ओर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हुक्स की अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर आई को मार्क करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस आई को। ये देखिए यहाँ पे मेरी मार्किंग आई है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। एक तो कॉर्नर पे रहेगा और दूसरा वाला आपके कमर के विड्थ के अकॉर्डिंग, ये कमर का विड्थ होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप दूसरा वाला आई अटैच करेंगे।
यहाँ पर मैंने आई को लगाते हुए साड़ी को रेडी कर लिया है। अब पेटीकोट को अटैच करने के लिए मैंने 2 मीटर का यहाँ पर फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर का कलर का फैब्रिक लिया है, क्योंकि ये सी थ्रू नहीं रहेगा तो बॉर्डर नीचे की ओर दिखेगा, इसीलिए पेटीकोट को मैंने बॉर्डर का कलर लिया है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को पहले लंबाई की मार्किंग कर लिया है मैंने। पूरी लाइन यहाँ पर इसी तरह लंबाई की मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब ओपन साइड में कमर का जितना भी विड्थ है उसका 4th पार्ट हम लेंगे। मैं यहाँ पर 36 का 4th पार्ट 9 इंच लूँगी, तो मैं यहाँ पर 9 इंच के इस तरफ मार्क करूँगी। ये ओपन साइड है, यहाँ पर खुला होगा फैब्रिक, और ये फोल्डेड साइड पे भी इसी तरह अपोजिट साइड में कॉर्नर में 9 इंच की मार्किंग करूँगी। अब इन पॉइंट्स को मिला लूँगी मैं। अब इसको मिलाने के बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस वाले जो मार्किंग किया था हमने, इसको इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करते हुए नीचे की गोलाई की मार्किंग करेंगे। हम इसी तरह लेंथ को लेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये फिनिशिंग आएगी, तो बहुत ही अच्छे से ये गोलाई की अपने आप इस तरह ये कट हो जाएगा, मतलब ये शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको जो है सारे पीसेस को एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 3 पीसेस आएंगे, कॉर्नर में जो खुला था वहाँ पे 2 पीस आए थे और एक नीचे वाला जो फोल्डेड साइड का था वो 1 पीस आया है। तो इन 3 पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया, ये देखिए यहाँ पे और सेंटर में, तो एक तरफ ये खुला रहेगा जैसे हम पेटीकोट में नॉर्मली चारों तरफ से स्टिच करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई स्टिच नहीं होगा, जॉइन हमें नहीं करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड स्टिच कर लिया। अब नीचे की गोलाई में भी मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए पेटीकोट को अब सारे तरफ से यहाँ पर स्टिच कर लिया है मैंने। अब ऊपर की तरफ हम डोरी अटैच करेंगे। डोरी के लिए जो फैब्रिक हमने लेंथ के टाइम पे कट किया था, मैं वही फैब्रिक को यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो इसको इस तरह ओपन कर लूँगी पहले, और इस वाले पट्टी को पहले 1/2 इंच में मोड़ूँगी और नीचे की तरफ भी 1/2 इंच में मोड़ते हुए इन दोनों को फिर से एक फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी। तो पहले जो है इसी तरह इस डोरी को बना लूँगी मैं, और हाफ मतलब इसका 1/4 होने के बाद इसको इसके अंदर ये वाला जो पेटीकोट है इसको रखते हुए स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरफ फ्रेंड्स मैंने इसको किस तरह बनाया है, आपको मशीन के ऊपर इसको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना मैंने यहाँ पर डोरी के लिए छोड़ा है दोनों तरफ। तो चलिए मशीन पे एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह मैंने दोनों तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करके एक स्टिच कर लिया है आगे की तरफ, इतना मैंने सामने छोड़ा है। और उसके बाद इस वाले फैब्रिक को पेटीकोट का जो कमर का हिस्सा है उसको इसके अंदर इसी तरह रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पूरी कमर में इसी तरह इसके अंदर हम इस फैब्रिक को रखते हुए स्टिच कर लेंगे इस डोरी में, और जितना भी आगे ये फैब्रिक डोरी का बचेगा उसको कंटिन्यू करते हुए इसी तरह फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर पेटीकोट का हिस्सा ख़त्म हो गया है फैब्रिक का, और आगे इसको फोल्ड करके इसी तरह डोरी अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स पेटीकोट रेडी हो चुका है, यहाँ पर इतनी डोरी बनके ये रेडी हुआ है। इसको साड़ी के साथ अटैच करेंगे अभी हम। तो साड़ी को मैंने सीधा रखा है और कॉर्नर में ये देखिए यहाँ पर, तो इसको सीधा रखा है और इसके ऊपर पेटीकोट को उल्टा रखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो डोरी का हिस्सा है कमर में जो बेल्ट की तरह आया है उसको छोड़ते हुए नीचे से हम साड़ी के साथ इसको पूरा बॉर्डर तक इसको अटैच कर लेंगे पेटीकोट के साथ। तो फ्रेंड्स स्टिच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आएगा।
तो फ्रेंड्स, इस साड़ी को अगर आप इन फ्यूचर नॉर्मल साड़ी की तरह भी पहनना चाहें तो बिल्कुल पहन सकते हो। इस पेटीकोट को भी आप रीयूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर साड़ी के ऊपर एक स्टिच लगा के इसको अटैच किया है, उसको रिमूव करते हुए इसको साइड से अटैच कर लेंगे और ये नॉर्मल पेटीकोट की तरह भी आप यूज़ करेंगे। और साड़ी को भी जैसे यहाँ पर स्टिचेस लगाई है, इसको अनस्टिच करते हुए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे आगे और भी आइडियाज़ शेयर करूँगी तो उसको देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और नए वीडियो।